नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में आपको जानकारी दूंगी। MPPSC से रिलेटेड वीडियो है ये, पर चाहे MPPB की एग्ज़ाम हो, MP पुलिस हो या MP पटवारी हो, इस टॉपिक से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आते हैं। तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल। अब कौन कौन से पर्यटन स्थल है, गुफाएं है ना, गुफाएं मध्य प्रदेश में कौन कौन सी है। सबसे पहले है भीमबेटका की गुफाएँ। जो भीमबेटका की जो गुफाएँ हैं वो विश्व की सबसे बड़ी गुफा समूह हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गुफा समूह जो सबसे बड़ी है वो कहाँ पर है, हमारे MP में है। और कौन सी है, वो भीमबेटका है, ठीक है। और भीमबेटका कहाँ है, तो रायसेन ज़िले में है, रायसेन ज़िले में अब्दुलगंज में है, और मेन आपको रायसेन ज़िले में लर्न करना है। इससे दो या तीन क्वेश्चन बनते हैं कि भीमबेटका कहाँ पर है, रायसेन ज़िले में है, और कौन सी गुफाएँ हैं, तो पुरापाषाणकालीन गुफाएँ हैं। वो नीचे जब मैं आपको डिटेल में समझाऊँगी तब वहाँ पर आएगा ये टॉपिक, ठीक है। उत्खननकर्ता, इसके उत्खननकर्ता यानी कि खोज किसने की थी, तो खोज VS वाकर्णकर ने की थी। किसने की थी, वाकर्णकर ने, VS वाकर्णकर ने की थी। और कब की थी, तो 1957 और 58 में की थी, ठीक है। भीमबेटका विश्व की सबसे बड़ी गुफा समूह है, वो कहाँ है, रायसेन ज़िले में है। उसके उत्खननकर्ता कौन है, VS वाकर्णकर है। और कब खोज की थी, 1957 और 58 यानी कि 1957 और 1958 में की थी। अब देखो भीमबेटका में क्या क्या चीज़ें हैं। भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति, देखो भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति कौन सी है, पुरापाषाण संस्कृति है। तो जो भीमबेटका है वो भारत की सबसे पुरापाषाण संस्कृति से रिलेटेड है, ठीक है। मध्य प्रदेश की प्राचीनतम गुफाएँ है, ये मध्य प्रदेश की प्राचीनतम गुफाएँ, चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं कि जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कौन से पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है, तो आपको याद होना चाहिए कि विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। इसके अलावा यहाँ नवपाषाण काल से भी रिलेटेड है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ साक्ष्य मिले हैं, वो पुरापाषाण काल के तो है बट नवपाषाण काल के भी है, तो दोनों आपको याद रखना है, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। तस्वीरें, अब वहाँ पर है क्या आखिर भीमबेटका में, सब तस्वीरें हैं यानी कि पिक्चर्स है, लाल प्लस सफ़ेद रंग की है। जो भी पिक्चर है, जो भी तस्वीरें हैं वो लाल और सफ़ेद रंग की है। सजावट पीले प्लस हरे रंग की बिंदुओं से की है, पीले और हरे रंग के बिंदुओं से उन चित्रों में सजावट की है, कहाँ पर, भीमबेटका की गुफाओं में। अब उनकी स्थिति, स्थिति क्या है, भीमबेटका की गुफाएं मध्य भारत के पठार के दक्षिण किनारे पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, दक्षिण किनारे पर, किसके, मध्य भारत के पठार के। यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं, आप देखिए कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, रायसेन ज़िले में स्थित है, उसकी खोज किसने की थी, VS वाकर्णकर ने की थी, कब की थी, 1957 और 58 में की थी, भीमबेटका कौन सी संस्कृति से रिलेटेड है, तो पुरापाषाण संस्कृति और नवपाषाण संस्कृति से रिलेटेड है, वहाँ पर क्या है, पिक्चर है, कौन सी तस्वीरें हैं, लाल प्लस सफ़ेद रंग की तस्वीरें हैं, उनको सजाया किससे गया है, तो पीले और हरे रंग के बिंदुओं से, और उसकी स्थिति क्या है, विषय वस्तु क्या है, तो विषय वस्तु है हजारों साल पहले दैनिक जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर ली गई है। मतलब बहुत हजार साल पहले जो लोग थे वहाँ पे दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते थे ना, उनसे रिलेटेड वो पिक्चर है। अब उसकी स्थिति क्या है, भीमबेटका की स्थिति मध्य भारत के पठार के दक्षिण किनारे पर है। भीमबेटका की स्थिति क्या है, मध्य भारत के पठार के दक्षिण किनारे पर है, ठीक है, और विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर है। नेक्स्ट है गुफाओं की सबसे प्राचीन, देखो ये गुफाएं कितने साल पुरानी है, तो ये गुफाएं 12,000 साल पुरानी है। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो 12,000 साल पुरानी हैं, और यहाँ पे जो चित्र मिले हैं ना वो प्रागैतिहासिकालीन चित्रकारी है। देखो आपने पुरापाषाण काल याद करा, नवपाषाण काल याद करा, और चित्रकारी कैसी है, वो प्रागैतिहासिकाल है ना, प्रागैतिहासिकाल की चित्रकारी है। प्रसिद्ध क्यों है, आखिर भीमबेटका की जो गुफाएं वो प्रसिद्ध क्यों हैं, तो प्रसिद्ध होने के सबसे पहला कारण है कि महाभारत के चरित्र भीम से नाम पड़ा। देखो महाभारत में 5 पांडव थे है ना, तो उसमें से एक का नाम भीम था, इस वजह से भीमबेटका नाम पड़ा।
दूसरा है हजारों वर्ष पूर्व बनी चित्रकारी आज भी मौजूद है, यानी कि इतने हजार साल पहले बनाए थे वो चित्र, वो आज भी है इसलिए भी प्रसिद्ध है। दूसरा तीसरा क्या है, मानव निर्मित शैल चित्र, मानव निर्मित शैल चित्रों प्लस शैल आश्रय हेतु, यानी कि मानव उस टाइम जो मानव यानी कि इंसान थे उन्होंने चित्र बनाए थे और शैल आश्रय है, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 2003 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में इसका नाम दर्ज किया है, जो यूनेस्को जो बुक है ना उसने विश्व धरोहर में इसको शामिल किया है। किसको किया है, भीमबेटिका को, यानी हमारे एमपी की जो भीमबेटिका है वो विश्व में भी फेमस है। अब देखो भीमबेटिका के अलावा वहाँ पर और भी कुछ है, यानी कि भीमबेटिका में ही रायसेन जिले में और क्या क्या है, प्राचीन किले की दीवार है, प्राचीन किले की दीवार है उस टाइम की, ठीक है। लघु स्तूप यानी कि छोटा सा स्तूप है, पाषाण निर्मित भवन, पाषाण यानी कि पत्थर, ठीक है, पाषाण यानी कि पत्थर, पत्थर का भवन है। शुंग गुप्तकालीन अभिलेख, देखो गुप्तकाल जिस टाइम गुप्त लोग आए थे ना उस टाइम के अभिलेख यानी कि लिखे हुए कुछ साक्ष्य मिले हैं। शंख अभिलेख मिले हैं। परमारकालीन मंदिर के अवशेष, जो परमार लोग आए थे वंशज उस टाइम के भी अवशेष मिले हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक तो प्राचीन किले की दीवार है, लघु स्तूप है, पाषाण निर्मित भवन है, शुंग गुप्तकालीन अभिलेख है, शंख अभिलेख है, परमारकालीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, भीमबेटिका के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ओके। अब हम देखेंगे आदमगढ़ की गुफाएँ, आदमगढ़ की गुफाएँ कहाँ पर है, तो आदमगढ़ की गुफाएँ है होशंगाबाद में। आदमगढ़ की गुफाएँ कहाँ स्थित है, होशंगाबाद में। इसके उत्खननकर्ता यानी कि खोज, इसकी खोज किसने की थी, आरवी जोशी और एमडी खरे, आरवी जोशी एमडी खरे, आपको याद रखना है। आदमगढ़ की गुफाएँ होशंगाबाद, उत्खननकर्ता कौन है, आरवी जोशी एमडी खरे, आरवी जोशी एमडी खरे। और अभी हमने पढ़ा था भीमबेटिका, उसकी खोज किसने की थी, वी वाकर्णर ने की थी, कब की थी, 1957 और 58 में, ओके। आदमगढ़ की गुफाएं की खोज कब हुई थी, किस ईयर में हुई थी, 1960 और 61 यानी कि 1960 और 1961 में हुई थी, ये ईयर आपको याद रखना है। क्षेत्र 4 किलोमीटर के क्षेत्र में 20 चट्टानी आश्रय है, देखो 4 किलोमीटर तक हम जाएंगे तो 20 चट्टानी आश्रय बने हुए हैं, 20 ठीक है, 20 याद रखना आप। प्रसिद्ध प्राचीन पत्थरों पर की गई चित्रकारी के लिए आदमगढ़ प्रसिद्ध है। अब आदमगढ़ प्रसिद्ध क्यों है, कि पुराने पत्थर है, पत्थर देखो दुनिया एंड हो गई लेकिन पत्थर तो ऐसे कैसे ही रहे ना, तो प्राचीन पत्थरों पर, पुराने पत्थर है उन पर चित्रकारी की गई है और चित्रकारी आज भी है आदमगढ़ में, इसलिए आदमगढ़ फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है, ओके, आदमगढ़ की गुफाएं के बारे में भी और जानकारी बाकी है। चित्रित चट्टान आश्रय, अब देखो वहाँ पर जो चट्टान है ना उन पर चित्र बना रखे हैं, जो चट्टान पर चित्र है वो पाषाण काल के भी है और मध्य पाषाण काल के भी है, पाषाण काल यानी कि स्टार्टिंग वाला पाषाण काल, ठीक है, और मध्य पाषाण काल यानी कि सेकंड नंबर वाला, फिर आता है पूरा पाषाण काल। अब पाषाण युगीन सभ्यता है, मतलब मेन यही है अगर आता है कि आदमगढ़ की गुफाओं में किस काल के अवशेष है, तो आपको पता होना चाहिए कि पाषाण युगीन सभ्यता के यानी कि पाषाण सभ्यता के अवशेष है। अब आदमगढ़ की गुफाएँ स्थित है कहाँ पर स्थित है, अभी हमने पढ़ा था, याद है कि नहीं याद है, कहाँ पर है, होशंगाबाद में, ठीक है, याद रखना। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नगर से 2 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के पास स्थित है। आदमगढ़ की गुफाएँ कहाँ हैं, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नगर के नगर से 2 किलोमीटर दूर, यानी कि होशंगाबाद से 2 किलोमीटर दूर हम जाते हैं तो नर्मदा नदी के पास में स्थित है आदमगढ़ की गुफाएँ। विश्व में विश्व प्रसिद्ध भीमबेटिकाओं की गुफाओं से लगभग 40 किलोमीटर दूर आदमगढ़ की गुफाएं है। अब देखो जहाँ पर भीमबेटिका की गुफाएं ना वहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाएंगे तो किसकी गुफाएं आ जाएगी, आदमगढ़ की गुफाएं आ जाएगी, है ना। भीमबेटिका की गुफाओं से 40 किलोमीटर दूर आदमगढ़ की गुफाएं है। आदमगढ़ की गुफाएं कहाँ पर है, तो वो एमपी के होशंगाबाद में है। अब होशंगाबाद से भी 2 किलोमीटर दूर जाते हैं तो नर्मदा नदी के पास स्थित है, ठीक है। अब इसकी खोज किसने की थी, अभी मैंने आपको बताया था, किसने की थी मुझे जल्दी से बताइए, आरवी जोशी और एमडी खरे ने की थी। कब की थी, 1961 में, 1960 और 1961 में, ठीक है। कहाँ पर है, होशंगाबाद में है। नेक्स्ट है हमारी उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर है, विदिशा जिले में स्थित है। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में स्थित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी
गुहा लेख में इस प्रसिद्ध पहाड़ी का वर्णन है। देखो जो चंद्रगुप्त था ना, उसने बहुत सारी चीज़ें लिख रखी है, ठीक है। तो उसके जो गुहा लेख मिले हैं ना, उसमें उसने इस पहाड़ी का उल्लेख किया है। कौन सी? उदयगिरी की पहाड़ी का। कहाँ है उदयगिरी की पहाड़ियाँ? विदिशा जिले में स्थित है। यहाँ पर 20 गुफाएं हैं। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं ना, वहाँ पर कितनी है? 20। जो पहाड़ी है उदयगिरी की गुफाएं, वहाँ पर टोटल 20 गुफाएं हैं। तो किससे रिलेटेड है? तो हिंदू और जैन। वहाँ पे मूर्तियाँ हैं, है ना। उदयगिरी की गुफाओं में मूर्तियाँ हैं। किन की है? हिंदू की भी है, जैन की भी है। और जो मूर्तियाँ हैं ना, वो विभिन्न पौराणिक कथाओं से संबंध है। अधिकांश गुप्तकालीन मूर्तियाँ हैं। देखो उदयगिरी की गुफाएं गुप्तकालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। वो जो मूर्तियाँ हैं वो जैन की भी है, हिंदू की भी है। और वहाँ पर टोटल 20 गुफाएं, यानी कि 20 गुफाएं हैं। देखो उस गुफाओं में क्या क्या चीज़ें हैं? अटखेलिया, करती, वेत्रवती है, सांची स्तूप है, रायसेन के किले की शिलाएं हैं, इस पर दिखाई पड़ती है। देखो यहाँ पर जो गुफाएं हैं ना, कहाँ पर? उदयगिरी की गुफाएं में। वहाँ पर जैसे नृत्य करती युवतियाँ, यानी कि लेडीज़ों के चित्र दिखाई देते हैं। और जो रायसेन के जो किले हैं ना, उसकी शिलाएं यानी कि पत्थर वहाँ पर है, वो हमको इस पर दिखाई देते हैं इस गुफा में। और देखो अभी हमने देखा था कि 40 गुफाएं हैं, सॉरी 20 है ना। कितनी गुफाएं थी हम एक बार फिर से देख लेते हैं। उदयगिरी में 20 गुफाएं, यानी कि 20 गुफाएं हैं। तो गुफा नंबर एक तो हो गई। गुफा नंबर दो, ये लगभग नष्ट हो चुकी है। गुफा नंबर दो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, वहाँ पर कुछ भी अवशेष नहीं बचे, ठीक है। उदयगिरी के द्वितीय गुफा लेख में चंद्रगुप्त के सचिव मीन्स मंत्री पाटलिपुत्र के निवासी वीरसेन। अब चंद्रगुप्त का सचिव कौन था? वीरसेन था। वीरसेन शाओ द्वारा शिव मंदिर के रूप में गुफा का निर्माण कराने का उल्लेख है। देखो द्वितीय गुफा का बनाई तो थी चंद्रगुप्त ने, बट किसने बनाई थी? मेन उसके जो मंत्री थे यानी कि सचिव थे वीरसेन, उनने बनाई थी। शिव मंदिर यानी कि शंकर भगवान का मंदिर बनाया था उस गुफा, इसलिए वो गुफा का निर्माण करवाया था उन्होंने। ओके गुफा नंबर एक हमने शायद डिटेल में नहीं करी ना, ठीक है वापस से बता देती हूँ। गुफा संख्या एक है सूरज गुफा। गुफा संख्या एक कौन सी है? देखो हमने ये देखा था कि उदयगिरी में 20 गुफाएं हैं, 20 में से पहली कौन सी है? सूरज गुफा, है ना। सूरज गुफा पहली गुफा है, सूरज गुफा। यहाँ पे क्या है? सूर्य नारायण की मूर्ति थी जो बाद में नष्ट हो गई, ठीक है। उदयगिरी की गुफाएं के बारे में हमने ये देखा कि यहाँ पर 20 गुफाएं हैं, चंद्रगुप्त जो थे उनके काल की है, क्योंकि उनके जो अभिलेख है उसमें इसका रिटर्न में उल्लेख मिला है। और यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ भी हैं, और ये मूर्तियाँ किससे रिलेटेड है? हिंदू धर्म से और जैन धर्म से है। अब वहाँ पर जो 20 गुफाएं हैं, तो गुफा संख्या एक, एक का नाम है सूरज गुफा, क्योंकि यहाँ पर भगवान शंकर की मूर्ति थी, लेकिन वो बाद में नष्ट हो गई। भगवान शंकर की मूर्ति थी, बाद में नष्ट हो गई है, ठीक है। और जो गुफा संख्या दो, इसके बारे में हम देख ही चुके हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो मंत्री थे यानी कि सचिव थे, और जो पाटलिपुत्र के निवासी थे, उन्होंने भगवान शिव के मंदिर के रूप में उस गुफा का निर्माण कराया था। अब बारी आती है गुफा संख्या तीन की। जो गुफा संख्या तीन है वो काफ़ी बड़ी है। गुफा संख्या तीन बहुत बड़ी है, और वहाँ पर 86 फीट चौड़ी और 6 फीट ऊँची गरी 5 मूर्तियों में से कुछ चतुर्भुज है। देखो मूर्तियाँ तो मिली है वहाँ पर, कुछ चतुर्भुज है, वनमाला धारण की हुई मूर्तियाँ है। चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं वाली मूर्तियाँ, जैसे कि भगवान विष्णु की मूर्तियाँ हो गई। वनमाला यानी कि गले में माला पहने हुए हैं। और ये जो गुफाएं हैं ना, वो 86 फीट चौड़ी है और 6 फीट ऊंची है और गहरी भी है। कौन सी गुफा? गुफा संख्या तीन सबसे बड़ी है। अगर आता है कि उदयगिरी में कौन सी गुफा सबसे बड़ी है, तो गुफा संख्या तीन है, वो सबसे बड़ी है। फिर एक गुप्त संवत 425 से 446 ईस्वी में उत्कीर्ण कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल का एक अभिलेख तृतीय गुफा लेख में है। देखो जो तृतीय गुफा लेख है ना, वह तृतीय गुफा है यानी कि तीसरे नंबर की गुफा है। वहाँ पर अवशेष मिले हैं, लिखे हुए हैं, वो कब के हैं? गुप्त काल के हैं। कौन से सन के हैं? 425 से 426 के टाइम के। नेक्स्ट है, इसमें शंकर नामक व्यक्ति द्वारा गुफा संख्या 10 के द्वार पर जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ की मूर्ति प्रतिष्ठित कराए जाने का उल्लेख है। देखो हम पढ़ रहे गुफा संख्या तीन। अब गुफा संख्या तीन सबसे बड़ी है, तो आपको पता है उसमें चतुर्भुज यानी कि भगवान की मूर्ति मिली है और माला पहनी हुई मूर्ति मिली है, लेकिन इसमें कुछ अभिलेख मिले हैं उस टाइम के लिखे हुए हैं। तो उसमें क्या है कि जो गुफा संख्या 10 है ना, जो हम आगे पढ़ेंगे,
उसमें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ की मूर्ति मिली है। और वो मूर्ति किसने प्रतिष्ठित करवाई थी? शंकर नामक व्यक्ति ने प्रतिष्ठित कराई थी। शंकर नामक व्यक्ति द्वारा गुफा संख्या 10 के द्वार पर यानी कि दरवाजे पर जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ की मूर्ति को प्रतिष्ठित कराए जाने का उल्लेख मिलता है। अब गुफा संख्या 4, बीन की गुफा। गुफा संख्या 4 को क्या कहते हैं? बीन की गुफा। आपको याद रखना है ना, गुफा संख्या 1 सूरज की गुफा, गुफा संख्या 2 नष्ट हो चुकी है ना, 3 अभी हमने पढ़ी है, और गुफा जो 3 हमने पढ़ी है उसमें क्या है, वो सबसे बड़ी गुफा है। गुफा संख्या 4 बीन की गुफा। प्रवेश द्वार पर एक मनुष्य वीणा वादन में व्यस्त दिखाई देता है। देखो गुफा संख्या 4 है ना, वहाँ पर जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो एक व्यक्ति है वो क्या बजा रहा है, वीणा बजाता दिखाई देता है। इसी गुफा में शिवलिंग भी स्थित है। अब उदयगिरि की कौन सी गुफा में शिवलिंग स्थित है? तो गुफा संख्या 4 में स्थित है। अब देखो गुफा संख्या 5, उसको कहते हैं वारह गुफा। वारह गुफा MPPSC में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, डिटेल में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगर क्वेश्चन आता है कि गुफा संख्या 5 यानी कि जो उदयगिरि की गुफा है ना, तो गुफा संख्या 5 का क्या नाम है, तो वारह गुफा। क्या कहते हैं उसको? वारह गुफा। क्यों कहते हैं? इसके पीछे भी रीज़न है, मूर्ति कला की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। वराह अवतार की सुंदर झांकी। देखो वराह अवतार, जो विष्णु भगवान ने वराह अवतार लिया था ना, उससे रिलेटेड है। वराह भगवान को देखो नर और वराह के रूप में अंकित किया गया है। उनके बाएं पांव नागराज के सिर पर स्थित है। देखो जो मूर्ति है ना, वो वराह भगवान की है, इनकी विष्णु भगवान ही है, उन्होंने वराह अवतार लिया था। और उनके बाएं पांव पर क्या है, उनके जो बायां पैर है वो नागराज के सिर पर स्थित है, यानी कि सर्प है उसके सिर पर स्थित है। और नर और वराह के रूप में अंकित किया गया है ना। प्रमुख विशेषता, इसकी विशेषता क्या है? इसका बृहद शैलप्रद आकार है। देखो जो मूर्ति है ना, वो वराह भगवान की जो मूर्ति है वो बहुत बड़ी है, तो इसकी विशेषता यही है कि इसका आकार बहुत बड़ा है। जो भगवान विष्णु के वराह अवतार द्वारा प्रथम माता को विलुप्त से बचाने के लिए परिचय की, यानी कि भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था। और गुफा संख्या 6, गुफा संख्या 6 क्या है? दरवाजे के बाहर द्वारपाल की मूर्ति है। कुछ नहीं, गुफा संख्या 6 भी है, उसमें भी दरवाजा है, दरवाजे के पास क्या है, द्वारपाल की मूर्ति है। अब गुफा संख्या 6 में द्वारपाल की मूर्ति तो है, बस के अलावा कुछ और भी है। विष्णु की मूर्तियाँ भी है, गणेश जी की मूर्ति भी है, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति बनाई गई है। इनकी गुफा संख्या 6 में एक तो दरवाजे पर द्वारपाल है, ठीक है, दरवाजे के बाहर पर, ठीक है। दूसरा है उसमें पे विष्णु भगवान की मूर्तियाँ है, फिर गणेश जी की मूर्तियाँ भी मिली है, और महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियाँ भी मिली हुई, यानी कि देवी जी की मूर्तियाँ मिली हुई माता जी की, जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। बट कैसी मिली है कि माता जी महिषासुर का वध कर रहे हैं। अब गुफा संख्या 7, गुफा संख्या 7 जो है वो शिलालेखों की प्राप्ति हुई है। शिलालेख किसे, यानी कि पत्थर पे शिला पे लिख रखा है, ठीक है। इन शिलालेखों से पता चलता है कि शैव गुफाएं हैं, शैव गुफाएं, ठीक है। गुफा संख्या 8, ये पूर्णतः नष्ट हो गई है। अगर पूछे कि उदयगिरि की कौन सी गुफाएं नष्ट हुई है, तो गुफा संख्या 8 भी नष्ट हुई है और गुफा संख्या 2 भी नष्ट हो चुकी है। अब गुफा संख्या 9, 10, 11, देखो 8 और गुफा संख्या 2 है ना, दोनों नष्ट हो गई है। गुफा संख्या 9, 10, 11, 12 वैष्णव गुफाएं हैं। उदयगिरि की कौन सी गुफाएं वैष्णव गुफाएं हैं? तो 9, 10, 11, 12 ये कौन सी गुफाएं हैं? वैष्णव गुफाएं हैं, जिनमें सिर्फ विष्णु के अवशेष ही रह गए हैं। विष्णु यानी कि भगवान विष्णु के अवशेष हैं इन गुफाओं में, इसलिए वैष्णव गुफाएं हैं। अब बारी आती है गुफा संख्या 13 की, ये है शेषशायी विष्णु की मूर्ति। देखो शेषशायी यानी कि जो शेषनाग होते हैं ना, भगवान विष्णु की सवारी होती है, उनसे रिलेटेड है, ठीक है। 12 फीट लंबी देखो मूर्ति है, लेटे हुए विष्णु भगवान की मूर्ति है। विष्णु भगवान लेटे हैं, किस पर लेटे हैं? शेषनाग पर लेटे हैं। ये गुफा संख्या 13 में है, ठीक है। और उस मूर्ति ने श्रृंगार कर रखा है विष्णु भगवान ने, कैसे? सिर पर फारसी मुकुट, सिर पर उन्होंने मुकुट धारण किया हुआ है, गले में हार है, भुजबंद भी है, हाथों में कंगन है, घुटनों तक लंबी वैजयंती माला है। देखो विष्णु भगवान सोए हुए हैं, उनका पूरा श्रृंगार वाली मूर्ति हमें मिली, कहाँ से मिली है? गुफा संख्या 13 में मिली है। इसके अलावा गुफा संख्या 14, 15 और 16 लगभग नष्ट हो चुकी है और खाली है। गुफा संख्या 14, 15, 16 नष्ट हो चुकी है और खाली है। अब गुफा संख्या 17 पे आते हैं।
गुफा संख्या 6 के ही समान है। देखो जो 17 है वो कैसी है, 6 के समान, जैसे कि जैसी 6 में पाई गई है सी मूर्तियाँ पाई गई है। महिषासुर वंदिनी जो माता जी की मूर्ति है वो है, गणेश जी की मूर्ति है, विष्णु भगवान की मूर्ति है, ये वो हमें गुफा संख्या 6 में मिली है। तो ऐसी कैसी गुफा संख्या 17 में मिली है, ठीक है। दोनों तरफ द्वारपाल और गणेश जी की मूर्ति के अलावा महिषासुर मर्दिनी की एक मूर्ति है। देखो अभी मैंने आपको बताया ना कि गुफा संख्या 17 और 6 दोनों समान है, गणेश जी की मूर्ति है वहाँ भी यहाँ भी, द्वारपाल पर है ठीक है, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है ठीक है। अब आ रही थी गुफा संख्या 18 की। गुफा संख्या 18 में क्या है, मूर्तियों के खंडित हो चुकी एवं गुफा लगभग खाली है। देखो गुफा संख्या 18 भी खाली हो चुकी है, जो मूर्तियाँ हैं ना वो नष्ट हो चुकी है। अब उदयगिरी की गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा है तो गुफा संख्या 19, आपको याद रखना है मेन, उदयगिरी की गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा है गुफा संख्या 19। अब आता है, हमने 3 भी पढ़ा वो भी पढ़ी है, बट सबसे बड़ी कौन सी है, 19 है ठीक है। सबसे बड़ी गुफा 19 है, कहाँ पर, उदयगिरी की गुफाओं में। बट वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर उपस्थित शिवलिंग जिसकी उपासना स्थानीय लोग आज भी करते हैं। देखो जो गुफा संख्या 19 है वहाँ पर शिवलिंग है, बहुत पुराना है, 1000 साल पहले का, उसमें आज भी लोग जाकर पूजा करते हैं। ऊपर भीतरी छत पर कमल की आकृति बनी है, देखो जो छत है उस पर कमल की आकृति बनी है। बाहर दोनों ओर द्वारपालों की दो बड़ी बड़ी चरण युक्त मूर्तियाँ है, देखो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं वो थोड़ी चरण हो गई है ठीक है। ऊपर की ही तरफ एक सुंदर समुद्र मंथन के दृश्य विद्वान है, जहाँ पर वो मूर्तियाँ हैं वहीं पर ऊपर समुद्र मंथन के दृश्य, यानी कि इस टाइप की मूर्ति है कि समुद्र मंथन हुआ था ना वो वाला चित्र है। अब देखो इतने डिटेल में आपको पढ़ा रही हूँ, जब हम MPPSC का प्री एग्ज़ाम देते हैं ठीक है, फिर जब मेंस देते हैं ना तो मेंस में क्वेश्चन आता है जैसे 5 नंबर का कि उदयगिरी की गुफाओं के बारे में बताइए, तो उदयगिरी की गुफाओं के बारे में आपको कितनी सारी चीज़ें लिखनी है। अगर 10 नंबर में आया तो आपको 20 गुफाओं के बारे में लिखना है, या आपके 10 नंबर पूरे हो गए उसमें तो रिटर्न एग्ज़ाम होगी ना, जो मेंस होगा उसमें रिटर्न में होगा, डिटेल में लिखना होगा, इसलिए डिटेल पढ़ना अभी से ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट है 20 गुफा, गुफा नंबर 20, गुफा संख्या 20 जो है वो जैन गुफा है। पार्श्वनाथ की मूर्ति का जिक्र मिलता है, किसका मिलता है, पार्श्वनाथ की मूर्ति। इस गुफा में 4 मूर्तियाँ हैं, गुफा संख्या 20 जैन गुफाएँ हैं, पार्श्वनाथ की मूर्ति मिलती है, 4 मूर्तियाँ मिलती है जो कि कमल आसनों पर विराजमान है, इनकी कमल के जो आसन बने हुए हैं उन पर विराजमान है ठीक है, गुफा संख्या 20। अब फैक्ट क्या है इस मूर्ति से रिलेटेड, कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, जो पार्श्वनाथ थे ना वो कौन थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। हम बार बार पढ़ रहे हैं ना कि जैन गुफाएँ हैं, पार्श्वनाथ की मूर्ति है, तो ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे और काशी के इच्छुक वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे, यानी कि पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे, तो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अब बारी आती है बाघ की गुफाओं की, है ना, बाघ की गुफाएं, इनकी खोज कब हुई थी, 1818 में हुई थी, बाघ की गुफाओं की खोज 1818 में हुई थी। फील्ड बाघ की गुफाएं प्राचीन भारत के स्वर्णिम युग की अदिति देन है, देखो जो बाघ की गुफाएं वो भी बहुत प्राचीन है और प्राचीन भारत के स्वर्णिम युग की देन है। इन गुफाओं का निर्माण संभवतः 5वीं से 7वीं शताब्दी में हुआ था, जो बाघ की गुफाएं हैं इनका निर्माण कब हुआ था, 5वीं से 7वीं शताब्दी में हुआ था। पूछ सकते हैं कि बाघ की गुफाओं का निर्माण कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि 5वीं से 5वीं शताब्दी में इनका निर्माण हुआ था, 5वीं से 7वीं शताब्दी में, और इनकी खोज कब हुई है, तो 1818 में हुई है। लगभग 1600 वर्ष पूर्व बाघ की गुफाएँ भगवान बुद्ध की दिव्य वार्ता प्रतिपादित करने हेतु निर्मित एक चित्रकारी है ना, बाघ की गुफाओं में भी चित्र है और वो किससे रिलेटेड है, भगवान बुद्ध से रिलेटेड है, और भगवान बुद्ध से रिलेटेड है बट वो कब पुराने हैं, लगभग 1600 वर्ष पूर्व है बाघ की गुफा, है ना, इतनी पुरानी है। ओके ये गुफाएं अपने भित्ति चित्रों के लिए फ्रेस्को मुराल पेंटिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बाघ की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध है, तो भित्ति चित्रों के लिए, अब भित्ति चित्र यानी कि दीवार पे चित्र बने हुए हैं, उसको हम अगर इंग्लिश में बोले तो उसको बोलते हैं फ्रेस्को मुराल पेंटिंग। कौन सी पेंटिंग है, फ्रेस्को मुराल पेंटिंग। आ सकता है कि बाघ की गुफाएं क्यों फेमस है, फ्रेस्को मुराल पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। मुराल का अर्थ क्या होता है, भित्ति चित्र होता है, यानी कि वॉल आर्ट, वॉल मीन्स दीवार, भित्ति मीन्स दीवार, तो भित्ति पर चित्र बनाए गए हैं बाघ की गुफाओं में ठीक है।
गुफाओं का विकास ओके 200 ईस्वी पूर्व से 650 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ है। इनका विकास कब हुआ? 200 ईस्वी पूर्व से 650 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ है। फ्रेस्को मुराल पेंटिंग का प्रयोग कर बुद्ध और जातक कहानियों का चित्रण, यानी कि भगवान बुद्ध का चित्र बनाया गया है बाकी गुफाओं में। 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। अब देखो हमारे यहाँ की जो बाघ की गुफाएं हैं ना, उनको भी यूनेस्को ने क्या किया है, विश्व विरासत है ना, विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है बाघ की गुफाओं को। और उसके पहले कौन सी गुफाओं को हमने देखा था अभी जस्ट सबसे स्टार्टिंग में, बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है। अब यहाँ पे जातक कथाएँ तो हैं, लेकिन गुफाएँ कितनी हैं यहाँ पे भी, 29 गुफाएँ हैं बाकी गुफाओं में, 29 गुफाएँ हैं, लेकिन सारी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है बाकी गुफाएँ, ठीक है। सारी गुफाएँ बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। 29 गुफाओं में से 25 तो विहार है और 4 चैत्य है। जो बाकी गुफाएँ हैं वो 29 है, लेकिन उसमें से 25 क्या है, विहार है, और 4 क्या है, चैत्य। विहार यानी कि आवास गुफाएँ, यहाँ पे जब वो बौद्ध लोग उनके शिष्य के साथ आते थे तो वहाँ पर रुकते थे, ठीक है। और चैत्य यानी कि वो प्रार्थना करते थे। अब देखो 29 विहार यानी बहुत सारे लोग आते थे तो 29 गुफाओं में रुक जाते थे, आराम करते थे। और चैत्य यानी कि प्रार्थना सभा जहाँ करते थे, जिसे हम कहते ना असेंबली हॉल, तो वहाँ पर प्रार्थना हॉल था। 4 चैत्य थे वहाँ पर, वो प्रार्थना करते थे। अब देखो इनकी स्थिति क्या है कि अजंता की गुफाएँ रॉक कट की गुफाएँ, जो अजंता की गुफाएँ हैं वो रॉक कट की गुफाएँ हैं, जो कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद के बगोरा नदी के पास स्थित है। कहाँ पर है अजंता एलोरा गुफाएं? अभी हम अजंता एलोरा क्यों पढ़ रहे पता है? क्योंकि अजंता एलोरा गुफाएं और बाकी गुफाएं सेम है, ये भी रॉक कट की गुफाएं और ये भी रॉक कट की गुफाएं। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कौन सी नदी किनारे स्थित है? बगोरा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। पास संयुक्त वर्माला पश्चिमी घाट श्रृंखला के रूप में स्थित है। अब यहाँ पर एक नोट है कि बाघ की गुफा के चित्रों की शैली अजंता के समान समकालीन निर्मित की गई, मतलब जब वहाँ पर हुई थी ना अजंता एलोरा में गुफाएं, वही की गुफाएं बाघ की गुफाएं हैं, सेम उसी टाइम पर बनाई गई थी। स्थिति बाघ की गुफाओं की, रॉक कट आर्किटेक्चर या गुफाएं दोनों ही रॉक कट है, कौन सी, अजंता एलोरा की गुफाएं और बाघ की गुफाएं। और बाघ की गुफाएं है कहाँ? तो जो धार में कुक्षी तहसील में, धार जिले में है, कुक्षी तहसील में है, बाघिन या बागेश्वरी नामक नदी के किनारे स्थित है, बाएं तट पर और विंध्याचल के दक्षिण ढलान में स्थित है। बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? तो हमें पता है कि धार जिले में कुक्षी तहसील में है, बाघिन यानी कि बागेश्वरी नदी किनारे स्थित है। कौन सी गुफाएं हैं? राकट गुफाएं हैं। किस से रिलेटेड है? भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। टोटल कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं, जिसमें से 25 क्या है, उनके आवास यानी कि रहने के लिए है, जो बुद्ध लोग आते थे। और 4 कौन से? चैत्य है यानी कि उनकी सभा यानी कि प्रार्थना हॉल होती थी वहाँ पर। और ये अजंता और एलोरा के समान गुफाएं हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है रॉक कट आर्किटेक्चर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यह कोई प्राकृतिक गुफा नहीं है बल्कि स्थापत्यकारों द्वारा पहाड़ी को काट कर बनाया गया। देखो रॉक कट आर्किटेक्चर मतलब जब पहले के लोग थे, बहुत पहले के, हजारों साल पहले के, तो बड़ी बड़ी गुफाएं थी तो उन्होंने उसको काट दिया था बीच बीच में से, बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ थी ना तो बीच बीच में से कट कर कर उनको पहाड़ी का रूप दिया था, तो इसीलिए से रॉक कट आर्किटेक्चर कहते हैं। ये मतलब प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं है, भगवान के द्वारा नहीं बनाई गई, इंसानों के द्वारा बनाई गई है ना। बाघ की गुफाएं अजंता की गुफाओं के समान है ना। अब कुल 9 गुफाएं हैं। देखो बाघ की गुफाएं और अजंता गुफाएं, लेकिन कुल कितनी सेम गुफाएं? 9 गुफाएं हैं। ये गुफाएं आपस में नहीं मिलती, देखो कितनी गुफाएं हैं, टोटल 9 गुफाएं हैं, ये आपस में नहीं मिलती है। गुफा 5 और गुफा 6 आपस में मिली हुई है। गुफा कौन कौन सी? 5 और 6 आपस में मिली हुई है। 4 और 5वीं गुफाओं से मिलता है 65 मीटर लंबा बरामदा या कॉरिडोर मिलता है, ठीक है, कॉरिडोर मिलता है, यानी कि बरामदा या आंगन मिलते हैं। देखो जो बाप की गुफाएं हैं वो अजंता गुफाएं जैसी है। अब अजंता में भी 9 गुफाएं हैं तो उसमें से 5 और 6 आपस में मिली हुई है, और चौथी और 5वीं गुफाओं से क्या मिलता है? एक रास्ता मिलता है जो कि 65 किलोमीटर लंबा बरामदा है, कॉरिडोर है, ठीक है। बाप की गुफाओं से मिलने वाली जानकारी, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये अजंता एलोरा के बारे में बताया, ठीक है।
बाकी गुफाओं से मिलने वाली जानकारी। पहली गुफा है गुहाग्रह गुफा, ठीक है। दूसरी गुफा है पांडव गुफा। पांडव गुफा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस गुफाओं में बाकी गुफाओं से बड़ी है और सुरक्षित है। यहाँ पर पांडव लोग रुके भी थे, इसलिए भी इसका नाम पांडव गुफा है। तीसरी गुफा क्या है? हाथीखाना, यानी कि विहार या मठ, जहाँ पर बौद्ध लोग आकर रहते थे। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं में रहने हेतु कोठियाँ बनी हुई है। देखो, कोठियाँ यानी कि कमरे बने हुए हैं बौद्ध लोग जो आकर रहते थे। चौथी गुफा है रंगमल, रंगमल है, ठीक है। 65 किलोमीटर लंबा बरामदा मिला है। कहाँ पर? यहाँ पर बाकी गुफाओं में। गुफा संख्या 5 व्याख्यान कक्ष। व्याख्यान कक्ष क्या है? जहाँ पर हम प्रवचन देते ना, जिस टाइप से, वो है। न ही चैत्य और न ही विहार, इसमें स्थानीय रूप से पाठशाला कहते हैं। यहाँ पर बैठकर वो जो जिसे भगवान बुद्ध सभी को उपदेश दे रहे हो, सारे लोग बैठे रहते हैं। कहाँ पर? गुफा संख्या 5 में, ठीक है। अब फैक्ट, फैक्ट क्या है इस रिलेटेड? गुफा संख्या जो 2 है, बुद्ध चित्रों के में धर्म चक्र प्रवर्तक मुद्रा पद्मानी बौद्ध में उपदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। बुद्ध की मुखाकृति सौम्य तथा शरीर आभूषण प्लस पुष्पों से सुसज्जित है। देखो, जो भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है गुफा दो में, भगवान बुद्ध एकदम शांत मुद्रा में बैठे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। उनका मुख बहुत सौम्य है, यानी कि मासूम दिख रहा है। आभूषण के रूप में उन्होंने पुष्प धारण किए हुए हैं, ठीक है। गुफा संख्या 4 जो है, उसमें क्या है? राजकुमार के चल समारोह का दृश्य है। जो राजकुमार है ना, उस टाइम के होंगे, उनके चल समारोह का दृश्य की सब देख रहे हैं। अब देखो, ये सब चित्र अब है कहाँ? तो इन चित्रों को ग्वालियर के गुजरी महल, अभी हम कहाँ देख सकते हैं? ग्वालियर के गुजरी महल में या संग्रहालय में देख सकते हैं। और भोपाल, भोपाल के पुरातत्व संग्रहालय ना, वहाँ भी देखा जा सकता है। 7वीं 8वीं 9वीं अवशेष मात्र ये, यानी कि जो 7वीं 8वीं और 9वीं गुफाएँ हैं, वो तो पूरी तरह से टूट चुकी है, उनके सिर्फ अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो हमने ये सब किसके बारे में देखा? हमने देखा है ये बाकी गुफाओं के बारे में। 9 गुफाएं हैं, हमने देख लिए। फैक्ट भी देख लिए कि कौन कौन सी गुफाओं के बारे में है। तीसरी गुफा में क्या है, पहली गुफा में क्या है, चौथी गुफा में क्या है, विहार यानी कि बौद्ध लोग जो आते थे वो रुकते थे, इसलिए फेमस है ना। और इसके अलावा हमने क्या देखा कि जो बाकी गुफाएं हैं वो किससे रिलेटेड है? अजंता एलोरा की गुफाएं से रिलेटेड है। सेम, वो भी रॉक कट आर्किटेक्चर से बनी हुई है, ये भी रॉक कट आर्किटेक्चर से बनी हुई है ना। और बाकी गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं हैं। और चौथी और पांचवी गुफाओं में क्या मिलता है? 65 किलोमीटर लंबा बरामदा मिलता है ना, यानी कि कॉरिडोर मिलता है। और पांचवी और छठी गुफाएं आपस में मिली हुई है। बाकी गुफाएं कहाँ स्थित है? धार जिले में कुक्षी तहसील में स्थित है, बागेश्वर नदी किनारे स्थित है। ये सारी डिटेल हमने बाकी गुफाओं के बारे में पढ़ ली है। अब बाकी गुफाएँ बौद्ध से रिलेटेड है, ठीक है। 29 गुफाएँ भी हैं। वो कहाँ पर? अजंता की गुफाओं की संख्या 29 है, ठीक है। अजंता की गुफाओं के बारे में देखा था, तो अजंता की गुफाएं कितनी है? 29 है। उसमें कितने हैं? 25 तो विहार है और 4 चैत्य। ये कहाँ है? अजंता में। अजंता में कितनी गुफाएं हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अजंता में 29 गुफाएं हैं, 25 तो उनके विहार है और 4 क्या है? चैत्य है। और बाकी गुफाएँ, बाकी गुफाएँ कितनी गुफाएँ हैं? 9 गुफाएँ हैं। अजंता एलोरा गुफाएं रॉक कट आर्किटेक्चर की है, और बाकी गुफाएं भी रॉक कट आर्किटेक्चर की गुफाएं हैं। बट ये याद रखना है कि अजंता एलोरा में टोटल 29 गुफाएं हैं, है ना, और बाकी गुफाओं में 9 गुफाएं हैं। आई होप आपको सारी डिटेल अच्छे समझ में आ गई होगी, सारा कुछ आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह आपको और भी MPPSC रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी, और मैं और भी नेक्स्ट वीडियो लाती रहूँगी, ठीक है। बाय बाय।